तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि कर्नाटक में सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों का आरक्षण बहाल करने का किया ऐलान, मौलानाओं ने कांग्रेस की तारीफ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अतीक अहमद की हत्या का बदला लेने के लिए गैंग बना रही है सजता परवीन, योगी सरकार के उड़े होश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कश्मीर में G20 की बैठक को लेकर नाराज हुआ पाकिस्तान, मोदी सरकार के खिलाफ उगला जहर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असम के बाद अब उत्तर प्रदेश में 4000 मदरसों को योगी सरकार कराएगी बंद किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन का एक महीना हुआ पूरा, आज इंडिया गेट पर निकालेंगे कैंडल मार्च, खाप पंचायतों का भी मिला समर्थन। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कॉमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का आरक्षण करेगी बहाल, कांग्रेस ने किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने जहां एक तरफा कांग्रेस पार्टी को वोट दिया और कर्नाटक में सरकार बनवा दी, तो कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों से जो वायदे किए थे उसको अब कांग्रेस पार्टी पूरा करने जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कर्नाटक कांग्रेस ने ऐलान किया था कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो मुसलमानों का जो आरक्षण बीजेपी सरकार ने खत्म किया है उस आरक्षण को बहाल किया जाएगा और मुसलमानों को फिर से कर्नाटक में 4% आरक्षण दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इसी आरक्षण को लेकर अब मौलाना मदनी ने कांग्रेस पार्टी को चुनावी वादा याद दिलाया है। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक में नवनिर्वाचित सरकार को आर्थिक पिछड़ेपन पर आधारित मुसलमानों का आरक्षण बहाल करना चाहिए, जिसे बसवराज बुम्बई यानी बीजेपी सरकार ने खत्म कर दिया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गैंग बनाकर अतीक अहमद की हत्या का बदला लेना चाहती हैं पत्नी सजता परवीन। जब दोस्तों आपको बता दें कि अतीक अहमद की हत्या के बाद पुलिस उनकी पत्नी सजता परवीन की तलाश कर रही है और उनकी फरारी को जल्दी 3 महीने होने वाले हैं और 3 महीने होने पर भी सरकार अभी तक सजता परवीन को पकड़ नहीं पाई है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अतीक अहमद की पत्नी सजता परवीन अपने पति और उनके देवर अशरफ की हत्या का बदला लेने के लिए उत्तर प्रदेश में गैंग बना रही है और गैंग का वो मुखिया बनने की तैयारी में जुटी हुई है। इस बीच खबर ये भी सामने आ रही है कि अतीक अहमद की जिन भी लोगों ने हत्या की थी उनकी हत्या का बदला अब सजता परवीन लेगी और सजता परवीन अतीक अहमद की हत्या का बदला लेने के बाद ही पुलिस के सामने सरेंडर करेंगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कश्मीर में G20 की बैठक को लेकर पाकिस्तान हुआ नाराज, मोदी सरकार के खिलाफ उगला जहर। यह दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में होने जा रही G20 की बैठक से पाकिस्तान भारत से नाराज हो गया है। G20 की बैठक को लेकर पाकिस्तान लगातार भारत पर तरह तरह के बयान दे रहा है और आरोप भी लगा रहा है। इसी कड़ी में पड़ोसी मुल्क के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कश्मीर में G20 बैठक आयोजित करके भारत कश्मीर के लोगों की आवाज़ को दबाने में सफल नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि हर कीमत पर हम कश्मीर के लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे। दरअसल आपको बता दें कि G20 की बैठक में मोदी सरकार के खिलाफ तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब भी इस बैठक में शामिल नहीं भारत होने आए, जो भारत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि G20 की बैठक जैसे ही मोदी सरकार ने कश्मीर में आयोजित की थी तो पाकिस्तान ने इसका विरोध किया था और मुस्लिम देशों से आह्वान किया था कि आप इस बैठक में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर ना आएं। पाकिस्तान की बात मानते हुए सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र ने इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया, जो भारत के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असम के बाद अब उत्तर प्रदेश में 4000 मदरसे होंगे बंद, योगी सरकार ने किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि असम में मदरसों पर बैन लगने के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मदरसों पर बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले साल उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों का सर्वे कराया था, जिसमें 4000 मदरसों को योगी सरकार ने फर्जी बताया था। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इन 4000 मदरसों पर अब जो है कार्रवाई की तलवार लटक गई है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इन मदरसों को बंद करने जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि योगी सरकार ने इन मदरसों पर आरोप लगाया है कि ये विदेशी फंडिंग से चल रहे हैं, ये अवैध रूप से चल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और पुलिस अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इन मदरसों पर बुलडोजर चलवाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फेसबुक पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट करने पर VHP ने दर्ज कराया केस। जय दोस्तों आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इन दोनों सुर्खियों में हैं। बिहार की राजधानी पटना में हनुमान कथा के दौरान उमड़ी भीड़ हो या मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विरोध में लगे पोस्टर का मामला, धीरेन्द्र शास्त्री इस समय लगातार चर्चा में बने हुए हैं।
अब उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में धीरेन्द्र शास्त्री की आपत्तिजनक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई है, जिसके बाद उनके खिलाफ एक मामला भी दर्ज किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि आपत्तिजनक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज उत्तर प्रदेश में हुआ है। शाहजहांपुर के सर्कल ऑफिसर सीओ तिलहर प्रियांक जैन के मुताबिक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आपत्तिजनक तस्वीर के मामले में आरोपी ढवारा गाँव का रहने वाला है। तो बड़ी अपडेट आई दोस्तों इसी बीच पर। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन का एक महीना हुआ पूरा, आज इंडिया गेट पर निकालेंगे कैंडल मार्च, खाप पंचायतों का भी मिला समर्थन। जय दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवान बीते एक महीने से जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। धरने का एक महीना पूरा होने पर पहलवान आज इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकालेंगे। बजरंग पुरिया ने आम नागरिकों से अपील की वो शांतिपूर्ण तरीके से निकाले जाने वाले कैंडल मार्च में शामिल हो। कैंडल मार्च में आम लोगों से शामिल होने की अपील करते हुए बजरंग पुनिया ने कहा कि शायद कि देश का पहला ऐसा मामला होगा जिसमें पॉक्सो के तहत केस दर्ज होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। बता दें कि पहलवानों को खाप पंचायतों का भी समर्थन मिला है। पहलवानों के समर्थन में बीते 21 मई को हरियाणा के अहम में एक पंचायत भी हुई थी, जिसमें उन्होंने खुलकर इनका समर्थन किया था और ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, और उनके साथ ये जुल्म हो रहा है। अखिलेश यादव जी ने भी अभी पिछले दिनों बयान दिया था और उन्होंने कहा था खुल के कि आजम खान साहब पे झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। आखिरकार आजम खान साहब पे झूठे मुकदमे लगाए गए हैं तो पार्टी आंदोलन क्यों नहीं कर रही है, क्यों उनके रिहाई की मांग नहीं कर रही? पिछले दिनों जो है आंदोलन हुआ था। पार्टी का ही तो आदमी हूँ, बहरहाल मैं मांग कर रहा हूँ मैं कि भाई मैं भी एज ए MP भी समझ लीजिएगा, एज ए मुसलमान भी समझ लीजिएगा। तो मैं उनके लिए बहरहाल खुद मांग कर रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट बहरहाल छोड़ दे तो मैं समझता हूँ कि इससे यूनिवर्सिटी जो उन्होंने बढ़ाई है उसकी देखभाल ठीक कर सकेंगे। आजम खान साहब के जो लोग हैं पार्टी के जो उनके ज़्यादा जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि रामपुर में आजम खान साहब ने चाकू को छीनकर कलम दी, लेकिन अब सरकार को ये कलम पसंद नहीं आ रही और इसीलिए कार्रवाई बदले की भावना से की जा रही है आजम खान पर। नहीं, मैं तो ये समझता हूँ, ये बात तो खैर सही है करीब करीब, क्योंकि भाई मुसलमान यहाँ पर कम से कम 40 करोड़ है इस वक्त मेरी निगाह में, ये चाहे कम बताते हों वो दूसरी बात है, लेकिन मेरी नज़र में जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ये 40 करोड़ मुसलमान इस देश में है, इसने इनको ये पसंद नहीं आ रहा मुसलमान, इतना मुसलमान देश में होने के बाद में ये समझते हैं कि नहीं मुसलमान यहाँ क्या करेगा। तो भाई मुसलमान भी हिंदुस्तान में रहता है, हिंदुस्तान का वो भी मालिक है उसमें। हमने इस देश में हमारे आदमियों ने यानी मुगलों ने तुर्कों ने इन्होंने सब ने ये लगभग 800 साल हुक्मरानी की इस मुल्क में, लेकिन कोई बलवा फसाद नहीं हुआ, कोई नाइंसाफी नहीं की गई, इंसाफ किया उन्होंने, वहाँ जहांगीर का उनका इंसाफ मशहूर है सब। कांग्रेस पार्टी ने आजम खान साहब को लेकर एक बयान दिया था अभी हाल ही में, उन्होंने कहा था कि अगर आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा जी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लें तो एक महीने के अंदर अंदर हम जो है आजम खान साहब को जेल से बाहर निकाल देंगे। ये अमरोहा के संजय सिंह हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। तो इससे जाहिर हो रहा है कि आजम खान के साथ बदले की भावना से काम किया जा रहा है। इन अल्फाज से या ये जो ऑफर आया है इसका मतलब तो ये है कि इस वक्त जानबूझकर इंटेंशनली या और प्रैक्टिकली ये उनके साथ जो कुछ किया जा रहा है जानबूझकर किया जा रहा है। हाँ, आजम खान के लिए अब पार्टी क्या एक्शन लेगी चुनाव से? भाई अखिलेश यादव और सारी पार्टी उनके साथ है, बेल भी मिल गई है उनके बेटे को अब्दुल्ला आजम खान को, लेकिन अभी तक 3 हफ्ते का समय भी दिया था कोर्ट ने, क्योंकि कोर्ट का मामला है, हम कोर्ट में के मामले में आवाज़ तो उठा सकते हैं लेकिन फैसला उनके हाथ में है। ये अगर ये इन्होंने बहुत तरकीब से बहुत ये काम किया है कि सारा उनकी सारी यानी मुकदमात और ये कोर्ट के ज़रिए से यानी जुडिशरी में कर दिए, अब जुडिशरी फैसला करेगी, तो इसलिए वो इस तरकीब से अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं और उनको छोड़ना भी नहीं चाहते।
समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि चुनाव से पहले आजम खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे? हम तो ये उम्मीद करते हैं क्या, और हमारी कोशिश भी यही है कि वो जेल से भी क्या अभी बाहर आ जाए।